अब स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा अ पॉजिटिव नंबर, प्लीज बच्चों ध्यान दें क्वेश्चन पे। उसने बोला अ पॉजिटिव नंबर, वो पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसमें कंफ्यूजन है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को आ रहा होगा, मैं क्लियर करता हूं, परेशान ना हो। देखो कह रहा अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर, मतलब समझो कोई पॉजिटिव नंबर है वो 5 टाइम्स है अदर नंबर के, ठीक बात समझो। कोई अनदर नंबर होगा तो मेरी बात ध्यान सुनो बच्चों, अनदर नंबर जो है ना वो आपका जो अनदर नंबर है उसको आप एक्स अज्यूम कर लो, बात समझो, ठीक, जो अनदर नंबर है उसको आपने एक्स अज्यूम कर लिया, तो जिस नंबर की वो बात कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर, तो अनदर वाला अगर एक्स हो गया तो जिसकी वो बात कर रहा है पॉजिटिव नंबर की वो क्या है 5 टाइम्स है किसका, अनदर का, मतलब जिस नंबर की वो बात कर रहा है, जिस नंबर की वो बात कर रहा है ये नंबर अनदर नंबर का 5 टाइम्स है, मतलब समझो अनदर नंबर को हमने एक्स अज्यूम किया तो एक्स का क्या करोगे 5 टाइम्स, तो आपको ये वाला नंबर मिल जाएगा, कौन सा, जिस नंबर की वो बात कर रहा है, जिस पॉजिटिव नंबर की वो बात कर रहा है। पढ़ो ना क्वेश्चन, कह रहा है कि भाई पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर, तो ये जो पॉजिटिव नंबर है ये आपको कैसे मिलेगा, अनदर वाले का आप क्या करोगे 5 टाइम्स। ओके मैं फिर से आपको दिखाता हूं बच्चों, ध्यान से चेक करो, कह रहा है कि भाई देखो जो पॉजिटिव नंबर है कोई, पॉजिटिव नंबर है जो कोई, पढ़ो क्वेश्चन, अ पॉजिटिव नंबर इज, इसका मतलब इक्वल्स टू 5 टाइम्स अनदर, 5 टाइम्स के लिए हम इनटू लगाएंगे, 5 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई करना, 5 टाइम्स अनदर, 5 टाइम्स अनदर नंबर, ठीक है, तो यही तो मैं बोल रहा हूं, पहले अनदर नंबर कौन है वो पता चल जाए तब तो ये पता चलेगा पॉजिटिव नंबर, क्यों, क्योंकि जो अनदर नंबर है उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि पॉजिटिव नंबर कौन सा है। ओके तो इसलिए अनदर नंबर कितना था आपका, एक्स था, तो 5 इंटू अनदर नंबर, 5 इंटू एक्स करोगे तो आपको मिलेगा क्या 5x, यानी कि वो जो पॉजिटिव इंटीजर है, सॉरी पॉजिटिव नंबर है वो क्या है 5x है। अब सीधी सीधी बात सुनो, अनदर नंबर x है तो पॉजिटिव नंबर इस x का 5 टाइम्स होगा, यानी कि 5x होगा, ठीक, तो इस तरीके से हमने सॉल्यूशन में लिखा क्या, लेट द नंबर्स आर, क्योंकि उसने फाइनली जाके आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट आर द नंबर्स, वो दोनों ही नंबर को पूछ रहा है, इसको भी पूछ रहा है, इसको भी पूछ रहा है, सो लेट द नंबर्स बी व्हाट 5x एंड x रिस्पेक्टिवली, ठीक है बच्चों, माना कि नंबर्स क्या है 5x और x, भाई अनदर वाला x है, अनदर की बात उसने बाद में करी तो वो x हो गया, और जो पॉजिटिव नंबर है वो क्या है 5x है, x का 5 टाइम्स, ठीक, ये बात समझ में आ गई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनो, कह रहा है कि इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, बात समझो बच्चों, क्या कह रहा है वो कि इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, ओके स्टूडेंट्स तो ध्यान देंगे, मतलब समझो इसमें और इसमें दोनों ही नंबर में हमें क्या करना है 21 ऐड करना है, ओके ध्यान दीजिएगा जरा, इफ 21 एडेड टू बोथ द नंबर्स, मतलब समझो इसमें भी 21 ऐड करो और इसमें भी 21 ऐड करो, ठीक, तो ये जो x वाला नंबर था x प्लस 21 बन जाएगा और 5x जो था वो 5x प्लस 21, दोनों में हमने 21 ऐड कर दिया, तो क्या होता है आइए देखते हैं क्या होता है, ठीक, ये एक नंबर ऐसा बन जाएगा और ये एक नंबर ऐसा बन जाएगा, ठीक, कह रहा है देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स, ध्यान से सुनो, वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स, मतलब दोनों जो नए नए नंबर बन गए हैं भाई, 5x बन गया 5x प्लस 21 और x बन गया x प्लस 21, दोनों में 21 ऐड करना था, ठीक, तो जो न्यू नंबर बने ये वाले, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्या दे रहा है ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, ओके बच्चों ध्यान से सुनिए, इनमें से जो नए दो नंबर नए बन गए न्यू, ये वाला, तो इनमें से एक नंबर जो है वो दूसरे का क्या है ट्वाइस है, ट्वाइस का मतलब 2 times है, ठीक, तो इन दोनों में से एक नंबर जो है वो दूसरे वाले का क्या है ट्वाइस है। अब बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या बोलेंगे, सर ये वाला नंबर जो है वो इसका ट्वाइस है या फिर ये वाला नंबर इसका ट्वाइस है, देखो करके दिखाते हैं, परेशान ना हो, सुनो भाई, आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आप सोचोगे सर ये वाला जो नंबर है ना जो न्यू बना है 5x प्लस 21, ठीक, ये वाला जो नंबर है ये वाले नंबर का ट्वाइस है, मतलब समझो एक्स प्लस 21 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, चेक करो भाई हमने क्या किया, हमने इसका ट्वाइस किया ना, ट्वाइस करने का मतलब इसको हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें ये मिल जा रहा है, यही तो कह रहा है ना,
पढ़ो जरा, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, अगर इसमें भी 21 ऐड करें इसमें भी 21 ऐड करें, देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स, यानी कि जो नए नंबर बने हैं, जो नए नंबर तो आपके पास दो हैं, कौन कौन सा, एक तो ये, या तो ये इसका ट्वाइस होगा या तो ये इसका ट्वाइस होगा, ठीक, ध्यान सुनो, मैं क्या मान के चल रहा हूं कि भाई ये जो है ना ये इसका क्या है, ट्वाइस है, ओके, तो ये वाला जो नंबर है, दिस नंबर इज इक्वल्स टू, ट्वाइस का मतलब टू से मल्टीप्लाई करना है किसको, सेकंड वाले को, या तो भाई ये इक्वेशन बनेगी, चेक कर लो, दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ द दिस, है ना, तो या तो ऐसे हो सकता है, ठीक, केस वन में ऐसा हो सकता है, बच्चों क्या ऐसा नहीं हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि हमें क्या पता कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ना, कौन किसका ट्वाइस होगा, तो आप ऐसे भी तो सोच सकते हो, सर क्या पता ये वाला जो नंबर है भाई दोनों न्यू नंबर है, कह रहा वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर, क्या पता ये वाला जो हो बच्चों, यानी कि x प्लस 21 जो हो, क्या पता वो ये वाले नंबर के ट्वाइस हो, ये सुनो, मतलब क्या पता ये वाला नंबर इसका टू टाइम्स हो, भाई ऐसे भी तो हो सकता है ना, तो आप दोनों तरीके से करके देखो, फिर आप सेटिस्फाई होगे कि क्या इक्वेशन बननी है, टेंशन नहीं लेना है, अभी हम आपको बताते हैं, अब हम सोच रहे हैं सेकंड केस में, सोचना बहुत जरूरी है, सोचो कि शायद ये वाला जो है इसका ट्वाइस है, ठीक, तो दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ व्हाट दिस, ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, आपने दोनों केस सोच लिए, कोई दिक्कत नहीं, आप एक काम करो, पता है क्या, ये वाली इक्वेशन भी सॉल्व कर लो, ये वाली इक्वेशन भी सॉल्व कर लो, जिसमें एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी ना वो वाला केस ट्रू केस होगा, क्यों सर, क्योंकि उसने क्या बोला था, अ पॉजिटिव नंबर इज फाइव टाइम्स अनदर, मतलब समझो अगर एक्स पॉजिटिव होगा ना तभी तो वो वाला नंबर, कौन सा वाला, जो पॉजिटिव वाला नंबर है भाई, पॉजिटिव वाला नंबर क्या है, अनदर का क्या है, 5x, 5 टाइम्स है ना, तो भाई अगर x पॉजिटिव होगा बेटा तभी तो 5x पॉजिटिव होगा, नहीं समझ में आया, सुनो बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा कह रहा हूँ अगर x की वैल्यू प्लस 2 होगी तभी तो 5x पॉजिटिव आएगा ना, 5x का मतलब 5 इंटू प्लस 2, 5 टू 10 होता है, सोचो अगर x नेगेटिव हो गया, मान लो अगर x नेगेटिव आ गया, अब x कितना आएगा वो तो मुझे नहीं पता, वो सॉल्व करके पता चलेगा, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, x अगर नेगेटिव हो गया तो 5 इंटू x निकालोगे तो 5 इंटू माइनस 2 माइनस 10 आ जाएगा, यानी कि प्रॉब्लम हो जाएगी, 5x जो कि पॉजिटिव नंबर था वो पॉजिटिव तभी हो सकता है, क्वेश्चन में बोला उसने पॉजिटिव, जब x का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो जिस भी इक्वेशन से x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी वही वाली इक्वेशन वैलिड है, अब एक बार मैं इसको सॉल्व करूंगा और मैं देखूंगा कि x की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ आ रही है, ओके, चलिए आइए दिखाते हैं आपको, तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये हो गया आपके पास 5x प्लस 21 इज इक्वल्स टू 2 जाएगा अंदर मल्टीप्लाई करेगा, सो 2 इंटू x, 2x, फिर प्लस 2 इंटू 21 कितना होता है 42, चेक करो ना बच्चों, 2 इंटू 21 42, ओके, नाउ अब ध्यान दें, नंबर्स को एक तरफ शिफ्ट करिए, ये 21 राइट में जाएगा तो लेफ्ट में बचेगा 5x इज इक्वल्स टू, राइट में देखिए 2x है ना, और प्लस क्या है 42 है, और 21 राइट में जाएगा तो माइनस 21 हो जाएगा, ये सुनो, नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल्स टू ये 2x ऐसे ही रहेगा, और 42 माइनस 21 प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा प्लस का, तो आंसर प्लस में आएगा, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 2 2, 21, सिंपल सी बात है, 42 माइनस 21 21 होता है, ठीक, अब ये वाले 2x को लेफ्ट में लेके आएंगे, ठीक है, सो यहाँ से क्या हो जाएगा 5x, अब ध्यान दें बच्चों 2x के आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, सो 5x माइनस 2x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 21, यस और नो, और 21 के आगे क्या है प्लस है, तो हम यहाँ प्लस लगाना चाहिए था लेकिन प्लस लिखा नहीं जाता है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक, चलिए अब हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन का ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, सो आप एक काम करो, वीडियो पॉज करके नोट करो, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए होगी बच्चों, वीडियो पॉज करके नोट करिए प्लीज, नोट करिए, कर लिया, चलो अब देखो ये हम केस वन कंसीडर कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ओके, और हम कहाँ तक आ चुके हैं अभी तक, हम आ गए यहाँ तक, ओके, और 5x माइनस 2x, ये देखिए मैं कॉपी कर देता हूँ, 5x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 21 आ चुका है ना, अब देखो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 5x माइनस 2x 3x होता है, कैसे सर, 5 के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस मानेंगे, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और साइन लगेगा किसका, बड़े नंबर का, यानी कि आ जाएगा 3x और साइन लगेगा प्लस का, ओके, 3x इज इक्वल्स टू 21 और प्लस
तो लिखा नहीं जाता है, यानी कि 3x is equals to 21. अब 3x का मतलब 3 into x होता है, 3 into x is equals to 21. इक्वेशन तो बच्चों आप लोग को सॉल्व करनी आती है ना, x के साथ जो मल्टीप्लाई है उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, सो x is equals to 21 by 3. ओके, नाउ 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 upon 1 7, यानी कि बच्चों x की वैल्यू तो कितनी आ गई, 7. हाँ बताओ, x की वैल्यू 7 आई, बताइए क्या नेगेटिव आ गया, माइनस 7 तो नहीं आया है, 7 आया है, मतलब पॉजिटिव आई है, यानी कि बच्चों जो फर्स्ट वाला केस हमने सोचा था वही सही था, ठीक है ना. तो अब ध्यान से सुनो, उसने हमसे पूछा व्हाट आर द नंबर्स, तो नंबर्स क्या थे, x और 5x, तो इसका मतलब x, यानी कि फर्स्ट नंबर क्या है 7 और दूसरा नंबर क्या है बच्चों चेक करो 5 into 7 है ना भाई, 5 into x है ना बेटा, तो 5 into x, x की वैल्यू कितनी आई है 7, 5 7 का 35. सो हम आंसर लिखेंगे क्या, आंसर द नंबर्स आर, द नंबर्स आर व्हाट, 7 एंड 35, या आप ऐसे भी लिख सकते हो द नंबर्स आर 35 एंड 7, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, 7 एंड 35 लिखो या 35 एंड 7 लिखो. अब सुनो, क्या आपका आंसर करेक्ट है, आइए चेक करते हैं. उसने क्या बोला था, उसने बोला था कि पॉजिटिव नंबर 5 टाइम्स द अदर होना चाहिए. चेक करो बच्चों, ये जो 35 है ये 7 का 5 टाइम्स ही, तो बच्चों 7 का 5 टाइम्स करो ना, 35 ही तो मिलेगा, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 35 मिलेगा, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई. अब कह रहा है इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, अगर हम दोनों में 21 ऐड करें, चेक करो, यानी कि अगर हमने क्या किया, हमने अगर 35 में 21 ऐड किया और 7 में अगर हमने क्या ऐड किया, 21 ऐड किया, ठीक, तो क्या कहता है, कहता है कि वन ऑफ द नंबर, मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा ये वाले का क्या होगा, डबल हो जाएगा भाई, 35 में 21 ऐड करो, 7 में 21 ऐड करो, तो इसका जो रिजल्ट आएगा इसका डबल करने पर ये आएगा, यही तो कह रहा है, वन ऑफ द नंबर 21 ऐड करने के बाद ये जो बनेगा नंबर ये अदर वाले का क्या होगा, ट्वाइस होगा. चेक कर लो कैसा होता है, 35 प्लस 21 कितना हो रहा है, 53 प्लस 2 556 हो रहा है, और यहाँ पे देखो कितना हो रहा है, 21 प्लस 7 कितना होता है बच्चा, 28 इंटू 250, यस करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर हमारा, ठीक है ना. तो ये हमारी दी गई कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, ठीक, चलिए नोट करिए फटाफट, तो हमारा आंसर आ गया बिल्कुल सही. अभी मैं सेकंड केस से आपको करके दिखाता हूँ, परेशान ना हो, दिखाता हूँ मैं क्या प्रॉब्लम है. ओके, ठीक है, कर लीजिए, कर लिया स्टूडेंट्स, चलिए अब ध्यान दें. मान लो बच्चों कि हम ऐसा सोच लिया हमने एग्जाम में, मान लो गलती से, भाई सोच सकते हैं ना कि जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट वाले का डबल हो गया 21 ऐड करने के बाद, ठीक, मान लो आपने ऐसा सोच लिया, ठीक, कोई बात नहीं. आइए इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 21, अब देखो 2 अंदर मल्टीप्लाई करेगा, 2 5 जा 10 है ना, और साथ में क्या है x है, और प्लस 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, 2 5 जा 10 x, और 2 मल्टीप्लाई करेगा सेकंड टर्म, यानी कि 2 इंटू 21 कितना होता है 42, ठीक है, ये हो गया. अब ध्यान दें बच्चों, यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन आ गई x प्लस 21 इज इक्वल्स टू 10x और प्लस 42. ओके, नाउ ध्यान दें, ये वाला 21 कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड, क्योंकि हमने आपको बताया कि नंबर्स को हम एक तरफ भेज देते हैं ना, सो x इज इक्वल्स टू कितना होगा 10x और प्लस 42, और ये वाला प्लस 21 राइट में जाएगा, सो माइनस 21. ओके, नाउ यहाँ से नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल्स टू, ध्यान दें, ये देखिए ये 10x है, अब प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, चेक करो, प्लस माइनस माइनस होता है ना, 42 माइनस 21, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो फिर से यहाँ 21 आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक. अब ध्यान दें, ये 10x को आप लेफ्ट में भेजोगे, ठीक, तो x है यहाँ पर, और 10x जब लेफ्ट में आएगा, 10 के आगे प्लस है, कुछ कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, लेफ्ट में आएगा माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 10x इज इक्वल्स टू प्लस 21, प्लस तो लिखा नहीं जाता है, यानी कि 21, ठीक. चलिए नेक्स्ट देखिए, अब x के आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि 10 माइनस x, मतलब 10 माइनस, देखो x के आगे एक तो कुछ नहीं लिखा है, 1 मानोगे, ठीक, और यहाँ प्लस मानोगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो 10 माइनस 1 होता है 9, और साथ में x आएगा और आगे आएगा माइनस, ठीक. आप सीधे से देखो ना बच्चों, 10x माइनस x क्या होता है 9x, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो माइनस 9x इज इक्वल्स टू 21. अब ध्यान दो, माइनस 9x का क्या मतलब होता है, माइनस 9x का मतलब होता है माइनस 9 इंटू x, तो माइनस 9 इंटू x इज इक्वल्स टू 21. अब ध्यान दो, x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड होगा, सो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 21 अपॉन माइनस 9. माइनस को नीचे लगाओ ऊपर लगाओ बात क्या है सेम, माइनस 21 अपॉन 9, ठीक बच्चों. तो चेक करो x की वैल्यू, हालांकि इसको काट सकते हो आप, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, 3 3 जा 3 7 जा माइनस 7 बाय 3, तो x कितना आ गया, ये माइनस और 7 बाय 3, ये देखिए x की वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव आ गई, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल. क्यों सर, इसलिए बच्चों क्योंकि x अगर नेगेटिव हो गया तो 5x भी नेगेटिव हो जाएगा ना, चेक कर लो 5x, यानी कि 5 इंटू x, x का वैल्यू कितना है माइनस 7 बाय 3,
तो 5 7 35 बाय 3 और माइनस माइनस 35 बाय 3 हो जाएगा 5x, यानी कि जो पॉजिटिव नंबर 5x था वो तो नेगेटिव आ रहा है, x की वैल्यू यहां से नेगेटिव आएगी, तो ये वाला केस आपका नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से मान लीजिए आपने ऐसा सोच भी लिया हो, बट इससे बच्चों हमारा आंसर मैच, मतलब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है ना, हमारे आंसर नेगेटिव आ रहे हैं, हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए, करेक्ट। तो फर्स्ट वाला केस ही कंसिडर करेंगे। अब आप बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा, तो जल्दी से सॉल्व करके आपको पता चलेगा प्रैक्टिस करके, ठीक है। ओके, सो प्लीज नोट कर लीजिए।